फतेहाबाद के भट्टा कला कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी, जिन्हें मीडिया से बातचीत करते हुए स्पॉट किया गया और उनसे जब सवाल पूछा गया कि राजनीति में वो किस तरह से जाना चाहेंगी, तो अपने जवाब में सपना ने कहा, राजनीति में स्टार प्रचार की भूमिका मैं निभाना चाहती हूँ। किसी पार्टी से अच्छा ऑफर मिलता है तो मैं अपने हुनर के मुताबिक उस पार्टी में काम भी कर सकती हूँ। वेल, आगे आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है सपना का अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में। किस पार्टी में जाएंगी, क्या है, लोगों का पूरा फोकस बना होगा तो क्या इसके बारे में कहेंगे? ये जब होगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल मुझे भी नहीं पता। तो कांग्रेस हरियाणा में तीन पार्टी है, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी। सबसे पहले किसको देंगे? मैं सर किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने आप को दूंगी। मैडम, कांग्रेस के द्वारा बुलावा है, आप मिलने गए थे, टाइम नहीं मिला था, दोबारा बुलावा है आपको? दोबारा बुलावा आया है और हुआ तो देखते हैं जाएंगे, और नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। अभी वक्त नहीं है सर मेरे पास ना, तो जब वक्त होगा ना तो एक टीम डिसाइड करूंगी, और जब होगा तो आपको वो भी पता लग जाएगा। परेशान मत होइए, मेरा पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी की राजनीति से, किसी पार्टी से। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर मिलता है कलाकार रहते हुए, क्योंकि ना तो मुझे कोई टिकट चाहिए है, ना मुझे MLA बनना है, ना मुझे पार्षद बनना है, ना मुझे PM बनना है, ना मुझे CM बनना है। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे कलाकार रहना है। अगर इस हुनर को लेके अगर मेरा कोई काम होगा किसी पार्टी में तो मैं बखूबी करूँगी। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।